नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। आज अफगानिस्तान से मानवता को शर्मसार करने वाली एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर पूरी दुनिया के आंसू छलक उठे हैं। अफगानिस्तान में बेबस माँ बाप अपने मासूम बच्चों को कटीली तारों के ऊपर से ब्रिटिश और अमरीकी सैनिकों को सौंप रहे हैं ताकि ये सैनिक इन मासूमों को अपने साथ ले जाएं। सैनिकों को भी आंसू निकल आए और ये मासूम तालिबान के कहर से बच जाए। इस दर्दनाक तस्वीर को देखकर उन लोगों को शर्मसार होना चाहिए जो तालिबान को शांति का दूत बताने में जुट गए हैं। लेकिन इसी बीच तालिबान पर सियासी घमासान अब छिड़ गया है। कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक ट्वीट किया और कहा कि तालिबान की टाइमिंग बड़ी गजब की है, 2022 तक यही चलेगा, कमाल है। घटना अफगानिस्तान में हो रही है और उसकी टाइमिंग को अपने देश के चुनाव से जोड़ा जा रहा है। क्या तालिबानी आतंकी भारत में चुनाव नजदीक आने का इंतजार कर रहे थे? और इसी बीच सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बाद उनके बेटे ने भी तालिबान के समर्थन में खड़े हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि बेसिकली वो तालिबान को बधाई दे रहे हैं। सवाल है कि क्या वोट की खातिर कुछ लोगों ने आंखों पे पट्टी बांध ली है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चुनाव में चलेगा तालिबान कार्ड। तालिबान पर देसी घमासान से पहले जरा वो तस्वीर देख लीजिए जिस पर पूरी दुनिया के आंसू छलक गए हैं। ये अफगानिस्तान के वो बेबस माँ बाप हैं जो अपने जिगर के टुकड़ों को ब्रिटिश और अमेरिकी सैनिकों को सौंप रहे हैं ताकि तालिबान के कहर से ये मासूम महफूज रहें। ये माँ बाप इतने मजबूर हैं कि सैनिकों और अपने बीच कटीली तारों की भी ये परवाह नहीं कर रहे। ये तस्वीरें देखकर उन लोगों का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए जो तालिबानी आतंकियों को शांति का दूत साबित करने में जुटे हैं। लेकिन इसी बीच एक और सियासी संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट किया है, तालिबान की टाइमिंग गजब की है, 2022 तक यही चलेगा। 2019 में बालाकोट चला और अब 2022 में तालिबान चलेगा और खूब चलेगा। तालिबान जितना अफगानिस्तान में नहीं चलेगा उतना हिंदुस्तान में चलेगा, और जब तालिबान चलेगा तो फिर हिंदुस्तान भी चलेगा। देश राष्ट्र और धर्म की ज्वाला में धधक रहा है और इसका ऑटोमेटिकली फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाती है, हमेशा उठाती रही है। गजब का कनेक्शन निकाला है, घटना है अफगानिस्तान की और उसकी टाइमिंग का लिंक निकाला जा रहा है भारत में। अब जरा असदुद्दीन ओवैसी को भी सुन लीजिए। आपको मालूम हमारे मुल्क में 4.7 करोड़ बच्चियां गायब हो जाती हैं, 9 में से 1 फीमेल बच्ची 5 साल की उम्र होने से पहले मर जाती है। इनको कहां की फिक्र है, वहां की फिक्र है, इनको वहां की फिक्र है। उनका अफगानिस्तान में ऐसा हो रहा और तुम पे ऐसा हो रहा, अरे यहां नहीं हो रहा। महिलाओं का रेप होता खवातीन का भारत में, उसकी बात नहीं, वहां पे पूरा वहां पे हो रहा। बड़ी मोहब्बत हो गई आपको, क्यों दिखा रहे मालूम आपको? बेटर टू सेंड ओवेस टू अफगानिस्तान टू प्रोटेक्ट देयर वुमेन एंड प्रोटेक्ट देयर कम्युनिटी। उधर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के तालिबान को स्वतंत्रता सेनानी बताने के बाद उनके बेटे भी अफगानिस्तान फतह के लिए तालिबान को मुबारकबाद दे रहे हैं। उन्होंने आकर अटैक किया
और अफगानिस्तान तो मतलब तालिबान तो उनसे लड़ने गए नहीं, तो इसमें मैं समझता हूँ तालिबान की कोई गलती नहीं है, और तो इसलिए हम जो है तालिबान को मुबारकबाद देते हैं। इस बीच पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा और बड़ा संदेश दिया है। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकती। लेकिन बड़ा मुद्दा अफगानिस्तान की घटना को 2022 से जोड़ने का है, और सवाल है कि क्या हर बात को चुनावी रंग देना जायज है? लव जिहाद के खिलाफ कानून बने, धर्मांतरण गैंग पर शिकंजा कसे, या फिर यूपी में आतंकियों के खिलाफ एटीएस का एक्शन हो, इन सभी बातों को चुनाव से क्यों जोड़ दिया जाता है? और तालिबानी लड़ाके क्या भारत में चुनाव की टाइमिंग का इंतजार कर रहे थे? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चुनाव में चलेगा तालिबान कार्ड। और अब वक्त है विश्लेषण का। सियासत में तालिबान कार्ड का विश्लेषण सुनिए। आतंकी अपनी क्रूरता दिखाने के लिए चुनाव का इंतजार नहीं करते। बालाकोट में जब स्थिति हुई थी तब भी उसे चुनाव से जोड़ा गया था, और अब तालिबान में जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं है, भारत की चुनाव प्रणाली से कोई लेना देना नहीं है, एक आतंकी संगठन वहां पे कब्जा करके बैठ गया है, उसको आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कि कांग्रेस के नेता है, उन्होंने सीधा सीधा 2022 के चुनाव से जोड़ दिया है। पुलवामा हमले में भी कई नेताओं ने चुनावी एंगल को खोजा था। भारत में चुनाव की टाइमिंग आतंकियों के लिए शुभ मुहूर्त नहीं है, ये मैं आप कहना चाहता हूं। आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे को सियासी फायदा खोजना बेहद गलत है। भारत में होने वाले चुनाव से तालिबान का क्या लेना देना है, ये सवाल मैं आखिर में पूछता हूं। मेरे साथ बात करने के लिए संबित पात्रा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ खुद जुड़े हैं, जिन्होंने ये पूरा बयान दिया है, जिन्होंने ये ट्वीट किया है। आरएन सिंह मेरे साथ है, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ। शादाब चौहान है मेरे साथ, नेता पीस पार्टी के, शांति की पार्टी है, उत्तर प्रदेश में ये भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। शोएब जमाई है, अध्यक्ष आईएमएफ के